हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। तो आज हम अपने मुकेश भाई के साथ में, मुकेश भाई जो हमारे एसएससी सीपीओ से एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हैं और इसके अलावा एसएससी सीजल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम भी उन्होंने क्रैक किए हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो बच्चे बिगिनर हैं, जो सीजल 2023 या सीएचएसएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मुकेश भाई बताएंगे। सबसे पहले जो बिगिनर है वो क्या करे भाई, अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले, एक भी पोर्शन आप ना छोड़े। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इन पे पूरी सब पे फोकस करें, क्योंकि आपको पता है आजकल जितने भी जो एग्जाम है हर चीज जरूरी है। अगर आपने एक भी चीज छोड़ी तो आप बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाओगे। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएं। मॉक खासकर उन बच्चों के लिए सबसे जरूरी है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और एक वीक में कितने मॉक देने चाहिए उन बच्चों को? एक वीक में ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर मान लेते हैं आपने एक वीक में 10 मॉक दिए हैं लेकिन एनालिसिस आपने 3 का करा, तो गलत बात है। इसीलिए चाहे बेशक आप कम मॉक दो, 5 मॉक दो, लेकिन 5ों का ऐसा एनालिसिस करो कि आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करो।